हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी गार्डन। आज देखिए, मेरे पास कुछ और गर्मियों के समर सीजनल फ्लावर्स आए हैं। मेरे हस्बैंड ने ला के दिए थे मुझे पैकेट अभी। तो ये है वाइट जीनिया, ये है जीनिया रेड, और इसमें जो बड़े फ्लावर आते हैं ना, वो वाले हैं ये। तो हम इसको ग्रो करेंगे। और ये है सनफ्लावर रशियन गेंद, इसमें जो बड़ा वाला सनफ्लावर आता ना, वो है ये। तो अभी हम इसको ग्रो करेंगे। तो मेरा तो पता ही आपको कि मैं पहले सीडलिंग तैयार कर लेती हूँ कुछ ऐसे ही ट्रे में, और उसके बाद में जो है ट्रांसप्लांट करती हूँ। ट्रांसप्लांट करने से क्या होता है, एक तो प्लांट जो है अच्छे बनते हैं, उनके हेल्दी होते हैं वो, और फिर आपको एकदम से कुछ दिखता भी नहीं है कि कौन सा गमला खाली करें, कौन सा नहीं खाली करें। तो फिर जब जो भी दिखता है एक बार को हम उसमें ग्रो कर देते हैं। तो एक बार मेरे पास अभी ये है, मैं कुछ एक इसमें डाल दूँगी और कुछ एक अपने किसी गमले के साइड में डाल दूँगी, और फिर देखेंगे कैसे कहाँ क्या उगना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने देखिए खोल ही लिया था, रहा नहीं गया मुझसे, फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्यों ना। तो इसके अंदर ये कंपनी भी बड़ी अच्छी है, ये देखिए ये आया है। और इसके अंदर हैं हमारे सीड्स, देखिए ये ऐसे ही सीड्स हैं जो मैंने अभी पहले लगाए थे ना जीनिया के। ये तो कुछ नहीं है, हम इनको इनमें ग्रो कर देंगे। इसमें बस ऐसे से डाल दो। हवा बड़ी चल रही है, कुछ करने ही नहीं देती मेरे को। तो ऐसे ही हम ये रेड वाला लगाएंगे। इसको मैं खोलती हूँ ज़रा, रुकिए आप। तो ये हैं हमारे इसके सीड्स, इसको भी हम ऐसे ही ग्रो कर देंगे। कोई बात नहीं, छोटी छोटी जैसी पौधा आपकी तैयार होगी आप ट्रांसप्लांट कर लेना, कोई मना नहीं कर रहा। बस जी, कुछ नहीं, पानी गिरेगा ये अपने आप जो है फ्लावरिंग करने लगेंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था इसका प्रोसेस। तो और ये जो है, ये मैं किसी बड़े गमले में इसको करती हूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि ऐसे विंटर फ्लावर्स आप भी ले आइए, समर फ्लावर्स आप भी ले आइए, और अपने गार्डन की शान बढ़ाइए। तो ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।